हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आप लोगों को डेकिन यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया है और मुझे जहाँ तक जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है डेकििन यूनिवर्सिटी के बारे में मैं सारा कुछ बताने जा रहा हूँ ओके okay? और मुझे पता है कितना लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है लाइक स्विमन यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है और लैट्रोब यूनिवर्सिटी में कैसा चल रहा है आई थिंक एजुकेशन सिस्टम हर यूनिवर्सिटी का इधर सेम है लाइक like ये मैंने जो रेंज बताया जो जो एवरेज यूनिवर्सिटी है ये सब आर एम आई टी हो गया मोनास का फिर डिफरेंट है मोनास का मैं नहीं बता सकता मोनास थोड़ा हाई लेवल है उसका कुछ और ही होता है मतलब उसका असाइनमेंट्स वग़ैरह थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कम्पेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी ओके और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डिकिन यूनिवर्सिटी का क्योंकि अभी जो मुझे पता है मैं वो आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी आने से पहले कुछ सीनियर से बात किया सीनियर से इधर का असाइनमेंट्स क्विज क्लासेस लैब्स वगैरह कैसा होता है सब पता करके उसके बाद मैंने अप्लाई किया था तो आई होप जिसके पास कोई कांटेक्ट नहीं है उसके लिए ये बहुत बहुत ही फायदेमंद होगा ये वीडियो ओके okay? और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाइक मैंने मास्टर ऑफ आईटी प्रोफेशनल अप्लाई किया है ओके okay? और यहाँ पे मास्टर ऑफ आईटी भी है और आईटी प्रोफेशनल भी है तो सो so, जब आप चूज कर रहे हो कोर्स स्ट्रक्चर उसमें भी बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है जैसे मास्टर ऑफ आईटी टी वो बेसिक से स्टार्ट होता है सारा कुछ जैसे अब वेब डेवलपिंग का ही हो गया कोई सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट है तो बहुत एस टी एम एल सी एस एस से स्टार्ट करेगा बहुत बेसिक से स्टार्ट करेगा और यही जगह पे अब आप ढूंढ लो मास्टर ऑफ आई टी प्रोफेशनल उसमें क्या है उतना बेसिक्स पे नहीं जाएगा ये लोग ये लोग कुछ हाई लेवल का होता है इनका एक्सपेक्टेशन भी हाई लेवल का होता है तो अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं असाइनमेंट्स का क्विज का और एग्जाम का और दूसरा क्या है वही लैब वर्क्स बात एक ही है असाइनमेंट या लैब वर्क दोनों एक ही होता है ओके okay? और प्रोजेक्ट्स का तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में क्या होता है एग्जाम होता ही नहीं है जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होता है लाइक या कोई इवेलुएट करने का या कोई टीचर होता है ना इन्विजिलेटर वैसा प्रोपटेट एग्जाम नहीं होता है कोई कोई सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट में नहीं कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जैसे हम लोग का एक मान लो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें बस हम लोग को असाइनमेंट करना है और एक प्रोजेक्ट करना है ओके एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हम लोग का वेबसाइट बनाना है और दूसरा जो भी असाइनमेंट है वो सब वीकली वो लोग असाइनमेंट देते हैं लाइक like, कोई वीक में तीन असाइनमेंट हो सकता है कोई वीक में एक असाइनमेंट हो सकता है तो इधर असाइनमेंट ज्यादा फोकस्ड है ओके okay? ये यूनिवर्सिटी का बात मैं कर रहा हूँ बस डीकिन का ओके okay? मैंने कोई दूसरा यूनिवर्सिटी का कुछ नाम नहीं ले रहा क्योंकि एजुकेशन इन सिस्टम ये लोग का सेम होता है ज्यादा करके लेकिन फिर भी अगर तुमको डिटेल में डिकिन का पता करना है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ओके okay? और यहाँ का कोई कोई सब्जेक्ट में क्विज ही नहीं होता है कोई कोई सब्जेक्ट में क्विज होता है तो क्विज होता है तो वो प्रॉक्टेड नहीं होता है जैसे होता है ना कैमरा ऑन करके पूरा ऐसा टाइप का नहीं वैसा कुछ नहीं है ओपन बुक होता है तुम बुक खोल के वो क्विज को ओपन करके लाइक उसमें तुम्हें पाँच मिनट मिले या दस मिनट मिले या एक घंटा का भी हो उसमें तुम सब कुछ यूज कर सकते हो नेट भी यूज कर सकते हो ऐसा टाइप का क्विज होता है कुछ ओके और इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पढ़ाई अच्छा नहीं है इधर पढ़ाई बहुत अच्छा है एक एक अच्छे से समझाते हैं मतलब प्रोफेशनल लिया तो वो बात डिफरेंट है हाँ थोड़ा पहले का नॉलेज होना चाहिए मास्टर्स में तो ऑफ कोर्स मास्टर जो भी आप अप्लाई करें पहले आपका कुछ बेसिक्स नॉलेज होना ही चाहिए नहीं तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ओके okay? और मेरे ख्याल से मैंने जो अभी बताया क्विज क्विज चलो ठीक है वो ओपन बुक की होता है क्योंकि हम लोग चलो चीटिंग तो कर सकते हैं कुछ नेट से भी देख सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग को एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए वो कैसे करना है ओके आप प्रोजेक्ट का बात कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट क्या है प्रोजेक्ट में मार्क्स वही प्रोजेक्ट देख के ही होता है ओके और वैसा होता है अब दूसरा क्या असाइनमेंट हो गया और एग्जाम्स ओके अब एग्जाम्स का बताता हूँ जैसे फिफ्टी परसेंट एग्जाम होता है तो फिफ्टी परसेंट असाइनमेंट का मार्क्स होता है ये हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है जैसे मैंने अभी बताया सॉफ्टवेयर में एग्जाम ही नहीं है उसमें हंड्रेड परसेंट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वही सब है उसमें रिटर्न एग्जाम या कुछ भी एग्जाम नहीं है ओके अब हो गया एक सब्जेक्ट है मेरा उसमें ट्वेंटी परसेंट वेटेज है प्रॉक्टेड एग्जाम ओके प्रॉक्टेड मतलब जो हम लोग का कंट्री में होता है वैसा एग्जाम ट्वेंटी परसेंट वेटेज है अगर तुम उसमें फेल भी हो जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है पास हो जाओगे वैसा है सिस्टम लाइक एटी परसेंट असाइनमेंट और क्विज के ऊपर बेस्ट है और ट्वेंटी परसेंट वो रियल एग्जाम टाइप का बेचते तो वो ट्वेंटी परसेंट में तुम पास हो या आधा मार्क्स लेके आओ या कम ही लेके आओ उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ओके तो ऐसा है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम डिकन यूनिवर्सिटी का ओके अब दूसरा बात मैं ये बताओ आप कोई भी कोर्स ले रहे हो डिकीन यूनिवर्सिटी में ओके तो आप वहां पर चेक कर सकते हो कोर्स इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर आप एक एक सब्जेक्ट में देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कैसा टाइप का है या कुछ भी होता है उधर कुछ कुछ दिया होता है थोड़ा बहुत दिया होता है इसमें ऐसा टाइप का एग्ज़ाम होगा या ऐसा टाइप का एग्ज़ाम होगा या कुछ कुछ दिया होता है उतना डिटेल में नहीं होता है लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत दिया होता है और दूसरा बात मैं बताऊं हाँ कोर्स स्ट्रक्चर में, में ये जरूर चेक करना कि लास्ट में तुम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस ले सकते हो नहीं? कि नहीं क्योंकि प्रोफेशनल प्रैक्टिस मतलब क्या है हम लोग का इंटर्नशिप मिलेगा कि नहीं ओके ये बात डिकिन में है लेकिन काफ़ी का यूनिवर्सिटी मैंने रिसर्च मारा उसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं है उधर कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस यानी फोर क्रेडिट्स या टू क्रेडिट्स में तुम इंटर्नशिप भी कर सकते हो तो इन लोगों का अपना क्या है मतलब थोड़ा नेटवर्क है ओके करियर फेयर होता है इधर तो उसमें तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और तुम्हारा परसेंट लाइक सी जी पी ए सेवेंटी परसेंट से एव होना चाहिए और सेवेंटी परसेंट भी होगा फिर भी चलेगा सेवेंटी परसेंट जितना होना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि तुम्हें भी तो खुद से कुछ टैलेंट होना चाहिए ना लाइक सी जी पी एटलीस्ट सेवेंटी मेंटेन करोगे तभी जाके तुम लोग को ना आगे अच्छा वाला जॉब ऑफर्स में वो मिलेगा मानते हैं हम लोग का स्किल्स अच्छा है लेकिन फिर भी सी जी पी ए ये लोग असाइनमेंट बेस्ड होता है इन लोग का एग्जाम जो भी होता है ज़्यादा करके तो वो तो प्रैक्टिकली हुआ ना इन लोग का इन लोग का कहने का हिसाब से हम लोग यहाँ पे एग्जाम वैसे रट के लिखने वाला नहीं करवाते हम लोग वही असाइनमेंट बेस्ड पे काम करवाते हैं तो ऑफ कोर्स तुम्हारा स्किल्स भी उसी में आया तो वही है और क्विज वगैरह तो उसमें भी तुम गेस कर सकते हो कि हाँ ये नहीं है तो वो हो सकता है तो कुछ उतना टफ टाइप का एजुकेशन सिस्टम नहीं है इधर इधर जो है तुम्हारा स्किल्स अच्छा हुआ तुम्हें प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग कुछ भी अच्छा आता है या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम बहुत बेस्ट हो तो तुम कर सकते हो ओके वो सेवेंटी परसेंट कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए ओके तो यहाँ पे मार्क्स लाना भी टफ उतना टफ नहीं बोल सकते लेकिन हाँ स्किल्स है तो तुम ला सकते हो अगर तुम रट्टाबाजी करके मार्क्स लाने वाले हो तो इधर शायद तुमको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लाइक फिफ्टी सिक्सटी परसेंट या सेवेंटी परसेंट आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इधर रिटर्न एग्जाम नहीं होता है ना पूरा बेस्ट कि जैसे तुम पचास परसेंट पूरा लिख के ही लेके आओगे वो कोई कोई सब्जेक्ट में होगा कोई कोई कोर्स में होगा लाइक like अकाउंटिंग में भी हो सकता है क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो अकाउंटिंग किया था बैचलर उसका ज़्यादा करके रिटर्न एग्जाम था वो डिकिन का बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी होता है कुछ यूनिवर्सिटी में रिटर्न ही एग्ज़ाम होता है डिकिन का भी होगा कोर्स पे डिपेंड करता है ओके okay? और ज़्यादा करके हाँ मान लो असाइनमेंट बेस्ड होता है इधर असाइनमेंट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है इधर समझ रहे हो और दूसरा बात अब कुछ भी तुम लोग को पता करना हो डिन यूनिवर्सिटी में तो मुझे बता देना इधर सेमेस्टर ऐसा होता है चार चार महीने का होता है लाइक अब इधर इनटेक कब कब है जुलाई इनटेक है अब दूसरा है फेबर इनटेक है और तीसरा नवंबर इनटेक तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग जुलाई इंटेक ओके क्योंकि जुलाई इंटेक के बाद जो नेक्स्ट इनटेक है वो नोवर इनटेक है तो नवंबर इंटेक में कोई इधर पढ़ाई नहीं करता वो चार महीने रेस्ट लेता है तो वो चार महीने में वो लोग जॉब करता है तो अगर तुम जुलाई में आ रहे हो तो नवंबर इंटेक पूरा खाली होगा नवंबर से लेके जनवरी तक तुम खूब जॉब करो पैसे कमाओ और उसके बाद फिर फेब्रेरी इंटेक से स्टार्ट करो तो एक सेमेस्टर हो गया टोटल चार सेमेस्टर होता है तो फोर फोर क्रेडिट लेना होता है टोटल सिक्सटीन क्रेडिट ओके तो वही सिक्सटीन क्रेडिट टोटल लेके आना होता है तो वही वही अब वन ईयर में मान लो दो सेमेस्टर करना ही है तुमको चाहे तुम आगे करो या पीछे करो या मने तो नवंबर इनटेक में ही करो लेकिन नवंबर इनटेक में उतना ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि मैंने अभी नवंबर इनटेक में ही अप्लाई किया तो ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा फैकल्टी अभी अवेलेबल नहीं है वो मिलेगा तो फेबररी में मिलेगा या जुलाई इनटेक में मिलेगा क्योंकि नवंबर इंडेक इज़ लाइक यहाँ का समर हॉलीडेज जैसे टाइप का सीजन है ओके okay? जैसे इंडिया में होता है और राइज कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो यहाँ पे नीचे कमेंट पे लिखना मैं उसी बेस्ड पे वीडियो बनाऊंगा मेरा दूसरा भी चैनल से लेकिन उसमें आई थिंक ऑडियंस ज़्यादा इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो लोग बहुत uh, दूसरे दूसरे कंट्री से है ओके okay? वो लोग हिंदी नहीं समझते तो उसकी के वजह से मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया कि थोड़ा इसमें डायरेक्ट बात किया जाए डायरेक्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ओके थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल और होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा आगे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं वो टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा